शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभीए पढ़ंतु सभीए पढ़ंतु मने रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस प्रति मंगलवार गुरुवार शनिवार धारावाहिक सकाळ 8टा परे निश्चय देखंतु चुटकी रे पाठ पढ़ा केवल सूत्र रे केते पाठ आज्ञा हां आपणकर वयस सरी जाइछि एवं आपण आ सरकारी चाकरी करबा को वंचित होछन्ति कि तेबे मने रखंतु सरकारी चाकरी पई 2021 2022 2023 वर्ष ए 3 वर्ष पई नियुक्ति सकाशे सर्वाधिक वयस सीमा वृद्धि करिछन्ति आसंतु जानिबा संपूर्ण विवरण कोविड 19 संक्रमण जोगु नियुक्ति प्रक्रिया धीमे जाइछि एथि जोगु अनेक बेकार युवक युवती वयस बढ़ी जाइछि वयस चली जाइथिबारु सेमाने चाकरी पई आवेदन करबार वंचित होइछन्ति एहाकु दृष्टि रखि राज्य सरकार सरकारी चाकरी पई 2021 2022 ओ 2023 3 वर्ष पई हेबाकु थिबा नियुक्ति सकाशे सर्वाधिक वयस सीमा वृद्धि करिछन्ति एबे सरकारी चाकरी पई सर्वोच्च वयस अछि 32 वर्ष ता आगुकु 38 वर्ष वृद्धि करा जाइछि सेहिपरि एससी एसटी एससीबीसी महिला और भिन्नक्षम सरकार सर्वोच्च वयसीमा कोहल करिछन्ति एससी एसटी एवं एससीबीसी सर्वोच्च वयसीमा 38 रु 43 वर्ष को वृद्धि करा जाइछि महिला 38 रु 43 साधारण वर्ग भिन्नक्षम प्रार्थी 38 रु 48 वर्ष एवं एससी एसटी एससीबीसी वर्ग भिन्नक्षम 38 रु 53 वर्ष को वृद्धि करा जाइछि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता रे राज्य कैबिनेट बैठक रे एहाकु अनुमोदन करा जाइछि जाओ चाकरी आशाई जो मानकर वयस सरी सरी जाइथिला एवं से माने सरकारी चाकरी पई आवेदन करिया वंचित होतिले से मानक पई एहा निश्चित भाव रे एक शुभ खबर आसंतु एबे से मानकर मतामत जानिबा आशाई माने केते खुशी बा केते दुखी एले रश्मिरेखा दास गृहिणी तांको मतरे एससी एसटी दिव्यांग एवं महिलांको पई आहुरी 5 वर्ष वयस कोहल करा जाइछि एहा जानिबे परे बहुत खुशी लागुछि विशेष करी महिला माने विवाह परे संगे संगे चाकरी करिबा पई समय बांधि नै जेतेबेले चाकरी करिबा पई निजकु तयारी करंती सेतेबेले वयस बाधक साजे मात्र एबे से समस्या रहिबो नै कारण से मानकु आहुरी 5 वर्ष मिलिला गंगाधर सेठी कर्मजीवी जने कहंती निश्चित पक्षे सरकार निष्पत्ति स्वागत योग्य यहाँ बहु प्रार्थी लाभवान हो पारे विशेषकर जो मैंने बयस हो कारण सरकारी चाकरी पर आवेदन कर वंचित होते से नूतन आशा संचार निरंजन साहू जड़े सामाजिक कर्मी सी कहते बेसी खुशी लगुच्चे सरकार एससी एसटी और पछुआ वर्ग समेत साधारण वर्ग को प्राधान्य देखते पूर्व धार्य बयस अतिक्रम कर अनेक योग्य प्रार्थी सरकारी चाकरी पाइबार वंचित होती यह से सुवर्ण सुजोग खोल स्कूल होना आज्ञा हाँ मास्क न पिंधिले राजधानीवासी फाइन परिमाण के राजधानी आज निस्तार ना एणिके मास्क न पिंधिले दंड गणवे अमानिया को साबाड़ करने बीएमसी पक्ष निष्पत्ति बीएमसी रे कोविड संक्रमण हार हु बढ़ी चली दैनिक संक्रमण हार 1000 मुहा प्रतिदिन नुआ नुआ रोगी चिन्हट होती परिस्थिति रे राजधानी कोविड कटका को न मानि अमानिया खोलामोला बुलुंट मास्क पिंधु नव सामाजिक दूरता भंग कर दृष्टि रखी कठोर पदक्षेप नहीं बीएमसी आसंता कालीठू सर्वसाधारण मास्क न पिंधिले 500 टंका जोरीमाना करने निष्पत्ति बीएमसी रो तीन जोन रे एनफोर्समेंट टीम को जांच जोरदार करिया पे बीएमसी कमिशन निर्देश देछंती एणु समस्त को सूचाई दिया जाउची आपण माने मास्क पिंधंतु दूरता मेंटेन करंतु एवं जो को सुस्थ रखिया सहित कोरोना दे रखे पांतु आउ एक शुभ खबर गाँव रु कच्चा घर हेब पक्का घर पंचायत राज और पानीय जल विभाग रे जोग देछंती 210 जन सहकारी कार्यनिर्वाही जंत्री विभाग नुआ क्याडर तैयारी परे प्रथम ब्याच रे नियुक्ति दि जाएगी एने आयोजित तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रे ग्रामीण गृह और पानीय जल जोगाण नाम रे दुईटी
ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁରେ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ଗୃହରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ସବୁ ହସି ଉଠିବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭରପୁର ପରିବାରର ସବୁରି ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସାଧା ସୁମନ ପରିବାର। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଗର ୟେ ଭିଡିଓ ଆପ ସଭିକୁ ପସନ୍ଦ ଆୟା, ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437133107।